बहुत सारे प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट पे 28% से घटा के ये लोग 18% 12% पे लेके आ रहे हैं। सैनिटरी नैपकिंस पे एग्जेम्प्ट हो गया है। व्हाट अबाउट पेंट वगैरह कुछ आया? उस पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये 28% की स्लैब तो खत्म कर देनी चाहिए। ये जबरदस्ती इन्होंने फंसा के रखी हुई है कि हर मीटिंग में हम लोग कुछ पब्लिक पोस्टरिंग लें, इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा, जो लॉ में अमेंडमेंट किए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं लॉ में जो बहुत ज़रूरी थे, लेकिन जिस तरह से दो दिन पहले काउंसिल के मेंबर्स को एजेंडा भेज के और ये अपेक्षा की जा रही थी कि भाई बस आप पढ़ के आ जाइए और अमेंडमेंट को हाँ कर दीजिए, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन था, क्योंकि दिल्ली को लेके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, अलग अलग राज्यों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं। तो लॉ में अमेंडमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, जो टाइपो एरर्स हैं उनसे लेके और जो वर्ड्स गलत यूज़ किए गए हैं उनको भी आप ठीक कीजिए, कॉन्सेप्ट को भी ठीक कीजिए जितने भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में करना ठीक नहीं है। जीएसटी काउंसिल में तो सही तो आज जीएसटी काउंसिल में जो कुछ नियमों के बारे में और कुछ कानून के प्रावधान के बारे में जो बदलाव करना है उस पर विस्तृत चर्चा हुई, और फिटमेंट कमेटी ने कुछ वस्तुओं के जो कर कम करने के बारे में कहा था उस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के माध्यम से जो दो बातों का हमारा आग्रह था, हम पीयूष जी को धन्यवाद देते हैं कि अब सैनिटरी नैपकिन का जो जीएसटी है वो 0% पे आया।